हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। और रियलमी 3 प्रो में जिस अपडेट का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो अपडेट अब आ चुका है। एक धमाकेदार अपडेट है, बहुत ही अच्छा अपडेट आया है, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बारे में भी बताएंगे। और अगर आपको ये बैक कवर अच्छी लग रही है, ये ट्रांसपेरेंट बूम केस है जो कि नया लिया है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी अगर ख़रीदना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपडेट जो है आ गया है, मैंने यहाँ पर फुल रोम डाउनलोड करना पड़ा क्योंकि फेस्ट मैनर में अपडेट रिलीज़ हुआ है, तो शायद आपको भी नहीं मिला होगा, पता नहीं किसको मिला है। तो अगर आप 10 दिन, लगभग 10 दिन अगर इंतज़ार कर सकते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं इंतज़ार करना चाहते हो तो पूरा जो रोम है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो लगभग 2.79 GB का जो है अपडेट है, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से करोगे तो। यहाँ पर अपडेट लॉग मैं आपको पहले बता देता हूँ, और उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी बता देंगे क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर जो वर्जन है A15 है, पहले A14 था, अभी A15 है। तो चेंज लॉग में पहले आप यहाँ पर जून का सिक्योरिटी पैच है, फिर जेस्चर, आपको बोथ साइड से आप जो नेविगेशन मोड आप कर पाएंगे वो बताएंगे आपको। फिर आपको मैगजीन फंक्शन मिलता है, आपको ऐप स्टोर मिलता है, आपको थीम मिलता है, आपको गेम सेंटर मिलता है, 240 FPS स्लो मूवी मिलता है, जो कि आपको बताएंगे। और अगर अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो इस तरह से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और कल जो मैं आपको फुल रिव्यू दे दूंगा इस अपडेट का, आज जो है मैं यहाँ पर जो चेंजेस है वो बता देता हूँ। तो पहले यहाँ पर चलते हैं कि आप देख लो, मेरा डिवाइस जो है अपडेटेड है A15 में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि A15 है मेरा जो वर्जन है, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है वो जून का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। 5 जून का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच हमको यहाँ पर मिल गया है। अपडेट के बाद सबसे पहले आपको थीम स्टोर देखने के लिए मिलेगा, जिसका बहुत बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी भी जो है थीम अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, पोर्टेड जो ऐप Realme 3 से लिया गया था, उसमें भी जो है थीम अप्लाई नहीं हो रही थी, अभी भी नहीं हो रही है। सेटिंग्स पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट साइन इन करने का यहाँ पर एकदम टॉप में ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका रियलमी अकाउंट है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का भी ऑप्शन है, यहाँ पर अपना रियलमी अकाउंट बना लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर जो है अपना अकाउंट साइन इन कर लीजिए। उसके बाद दूसरा जो आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा वो है यहाँ पर जो जेस्चर्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्वाइप अप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड्स, ये वाला जो है नया MIUI स्टाइल जेस्चर्स आपको देखने के लिए मिलता है अभी, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और मुझे ये जेस्चर बहुत ज़्यादा पसंद था MIUI में, अब जो है रियलमी में देखने के लिए मिल रहा है। तो कन्वीनियंस सेंटर में जाके नेविगेशन कीज़ में आपको यहाँ पर स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड्स अब ये देखने के लिए मिलता है, जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा एक फीचर है, और रियलमी ने इसे अब जो है ऐड कर दिया है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपको कैसा लगा। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन, अब जो है मैगजीन फंक्शन आपको दे दिया गया है। नीचे में आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन मैगजीन का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको ऑन करके रखना है, और जब भी आप लॉक स्क्रीन में आएंगे आपको नया नया जो है वॉलपेपर्स देखने के लिए मिलेगा, और वो वॉलपेपर्स कौन सी जगह पे लिया गया है और उनके बारे में, उस जगह के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी जो मैंने ऑफ़ कर दी तो आप देखोगे कि जो डिफ़ॉल्ट मेरा जो डिफ़ॉल्ट मैंने लॉक स्क्रीन सेट किया हुआ है वो वापस आ गया। जैसे मैं ऑन कर दूंगा तो यहाँ पर देखोगे कि मैगज़ीन फंक्शन जो है यहाँ पर काम करेगा, और लॉक स्क्रीन में आप देखोगे कि नए वॉलपेपर्स चेंज होते रहेंगे। और थीम स्टोर की मैं बात कर रहा था, तो थीम स्टोर में जो थीम्स है, वैसे तो अभी जो है थीम स्टोर थोड़ा सा बेहतर है, जो ओप्पो का थीम स्टोर था उससे तो रियलमी का थीम स्टोर थोड़ा सा बेहतर ही है। लेकिन आप डाउनलोड तो कर पाओगे लेकिन जो है अप्लाई नहीं होगा या इंस्टॉल नहीं होगा, जो कि प्रॉब्लम मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जो पोर्टेड ऐप था रियलमी का थीम स्टोर जो Realme 3 से लिया गया था, तो वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम थी। तो ऑल मैंने जो वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट काम कर रही है, तो बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़ी। अब जो ऑफिशियल अपडेट आ गया है वहाँ पर भी जो है ये काम नहीं कर रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो बस यही थोड़ा सा लेट डाउन है, और बाकी जो अपडेट में आपको जितना कुछ देखने के लिए मिलता है बहुत ज़्यादा औसम है। तो यहाँ पर अब जो है ऐप स्टोर आ चुका है, ऐप मार्केट आ गया है, सॉरी, ऐप मार्केट आ गया है रियलमी का। और आपको यहाँ पर दो नए फोल्डर्स देखने के लिए मिलता है, एक है हॉट ऐप्स और एक है हॉट गेम्स। और ऐप मार्केट आप देख पा रहे हो, यहाँ पर परमिशन वगैरह दे दो, और यहाँ पर अलग से कुछ है नहीं। अगर आप प्ले स्टोर से, मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, पर जैसा कि अब जो शाओमी का भी ऐप मार्केट है उसी तरह से रियलमी का भी अब ऐप मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगा, और दो अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, मतलब
आपको ऐप मार्केट में आपको खाली जो है ऐप्स देखने के लिए मिलेंगे, और एक गेम सेंटर करके है वहाँ पर, प्ले स्टोर में जितने सारे गेम्स आपको मिलता है वो जो है आप गेम सेंटर में देखने के लिए मिलेगा। मतलब ऐप मार्केट है लेकिन दोनों डिवीजन हो चुके हैं, एक जो है गेम सेंटर और एक है ऐप मार्केट अलग से। तो ये जो है दो नई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पर बेहतर है। तो रियलमी जो है पूरी तरह से शाओमी को टक्कर दे रहा है नेक टू नेक। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ इस अपडेट में आपको जो देखने के लिए मिलेगी वो है कैमरा डिपार्टमेंट में, और वो है 240 FPS का स्लो मोशन, जो कि जिसको लेके बहुत ज़्यादा 960 FPS को लेके बहुत ज़्यादा जो बवाल मचा था। टेक्नोलॉजी जॉक से सुंदर सर ने जो है कहा था कि फेक है 960 FPS, क्योंकि 240 FPS को अपस्केलिंग करके जो है 960 FPS किया गया था। और उसके बाद ही जो है माधव सेठ जी ने कहा था कि हम 240 FPS का जो है यहाँ पर सपोर्ट दे देंगे, और इस बार जो है सपोर्ट दे दिया गया है। और 240 FPS का मैंने यहाँ पर जो सैंपल लिया है मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हालांकि 720p पे है, और जो 120 FPS है वो 1080p पे है, और जो 960 और 240 FPS जो है आपको 720p पे मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी जो है यहाँ पर क्वालिटी देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर कोई स्टटर नहीं है, कोई लैग नहीं है। तो 240 FPS यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा जो खुश हो जाओगे, तो बहुत ही बेहतर जो है यहाँ पर 240 FPS का स्लोमो सपोर्ट दिया गया है रियलमी की तरफ से। बेस्ट वीडियोग्राफी के लिए अभी बेस्ट फ़ोन है। अगर मिड रेंज की अगर बात करें, अगर आप अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट वीडियोग्राफी के लिए रियलमी 3 प्रो अभी के लिए तो बेस्ट है। तो इन डिटेल में मैं इस अपडेट का रिव्यू करूँगा, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैंने यहाँ पर जो है जो चेंज लॉग है वो आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करी, वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो उसके लिए माफ़ करो। और कमेंट करके बताओ, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।